गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमें रीत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सब लोग? और आज का दिन शुरू हो रहा है 9 बजे। और जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा है कि दीदी चली गई है और बस सब बहुत उदास उदास हो रखे। सुना सुना लग रहा है दोनों बच्चों के बिना, दीदी के बिना। और किट्टू तो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी बड़ी मम्मा को याद करके, बहुत रो रही थी। और अभी वो अपनी मम्मी को तंग कर रही है किचन में। आए क्या कर रही तुम यहाँ? तंग क्यों कर रही हो अपनी मम्मी को? क्यों तंग करोगे तुम तो? अच्छा गाइस को जय माता करो। नए ब्लॉग पहले आज का तो खुशुरु होने दे कि तू ढंग से। मम्मा गुड मॉर्निंग। तो मम्मा बना रही है मेरे लिए हलवा। मम्मी को पता है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी मेरे लिए हलवा बना रही है। सूजी का हलवा मेरा बहुत ज्यादा वाला फेवरेट है और इसको चाय के संग खाते हैं तो और भी यम्मी लगता है ना भाभी? तो मेरी मम्मा मेरे लिए बना रही चाय। मम्मा हाय कर दो गाइस का। आशीर्वाद दे रही है मम्मा सबको आशीर्वाद दे रही है मम्मी। किट्टू भी आशीर्वाद दे रही। जय माता दी। तो गाइस मेरा काम, मैं अभी उठी हूँ, फटाफट चाय वाली गर्म पानी पिया मैंने। अब पहले घर का काम निपटाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ना। तो गाइस सुबह की पूजा हो चुकी है, डन। जय माता दी। अच्छा आप लोग हमारे घर के, मतलब जो मम्मी के घर के मंदिर है उनके घर की दर्शन कर सकते हो। और आप सोच सकते हो कि मेरा, मतलब मेरे घर का मंदिर इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि मेरे इस घर का भी मंदिर इतना ही बड़ा, मेरी माँ के घर का, तो इसलिए मेरे घर का भी मंदिर इतना बड़ा है। मेरा घर छोटा है। और ये नहीं मेरी पाखी, आजा चुया। सो हम लोग ना, हम दोनों ने नहा लिया और अब हम दोनों करेंगे नाश्ता। मम्मी ने बनाए हमारे लिए मेथी के पराठे, दिखाते हो। बैठ जा बेटी दरी। सो मम्मी ने बनाया है ये मेथी के पराठे, साथ में बटर, साथ में हलवा, साथ में अचार। सी यम्मी ना, देखती मुंह में पानी आ रहा है। बस मेरी इस औलाद को मुंह में कभी पानी नहीं आता। गंदी नहीं करते बबली, पानी आ रहा है। पागल है, ऊपर बैठ मुंह पैर करके गंदी औरत। सो मम्मी नाश्ता बना रही है, मैं फटाफट से गरम गरम नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते नाश्ता करने के बाद। सो गाइस मम्मी का हो गया जाने का टाइम, मम्मी जा रही है पैर। और ये किट्टू मम्मी को छोड़ने जा रही है, मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ। और ये किट्टू के दो दोस्त हैं। हाँ क्या मम्मी कल आएगी? चुजी लेके तारी गाय, हम दोनों को मारेंगे पकड़ पकड़ के। चलो मम्मी को बाय कर दो। बाय मम्मी। चली गई पार्लर, जा रही है मम्मा पार्लर के लिए। बाय मम्मा, टाटा। ये मम्मी ज्यादा रास्ता नहीं क्रॉस करेगी, किट्टू बाय बाय करती रहेगी। और डॉगी भौंक रहा है बहुत जोर से। तो गाइस देख सकते हो आप हमारे यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ से पूरा पूरा इतनी अच्छी अच्छी फ्लैट्स बने, फ्लैट नहीं बंगलो टाइप के बने हुए। और यहाँ पे पूरा पार्क है बच्चों का। किट्टू इधर आओ, इधर इधर आओ, अंकल गाड़ी लेके आ रहे ना, इधर आओ साइड में। और धूप भी इतनी तेज हो रही है जबरदस्त। और सामने हमारा घर और व्यू देख सकते हो आप, कितना ही खूबसूरत जबरदस्त है व्यू। सीरियसली बहुत अच्छा व्यू है। और फ्लैट्स भी देख सकते हैं आप। इस मम्मी तो चली गई और किट्टू खेल रही है पत्थर से, क्योंकि ऐसे बॉम्बे में पत्थर मट्टी कुछ नहीं मिलते, इसलिए वो यहाँ पे मस्त अपना एंजॉय कर रही है। अपनी मम्मी का बचपन जी रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं भी बहुत मट्टी और पत्थरों से खेलती थी, इसलिए किट्टू भी मट्टी और पत्थरों से खेल रही है। और बाहर का व्यू कुछ है इस प्रकार। और गाय खाने आई है अपना खाना, क्योंकि यहाँ पे हरा बहुत है, इसलिए गायें खाना खाने आई है यहाँ पे। चले हाँ, है ना बब्बी? चलो पता चलते, धूप तेज लग रही है पाखी। नहीं ना, आ मुझे तो डर लग रहा है गाय आ जाएगी हमारे पीछे। मिलते हैं घर में जाने के बाद, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, आंखें खुल रही है। हे गाइस, सो फाइनली मम्मी चली गई है पार्लर और अब हम लोग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद उठेंगे फिर लंच वंच करेंगे, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, सारा काम मम्मी करके जाती है। तो बस अब तो रेस्ट करना ही बाकी है, क्योंकि बॉम्बे जाके तो वापस काम काम काम। सो ऐसा करते थोड़ी देर रेस्ट करते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग उठ चुके हैं और अभी दोपहर का बज चुका है 2:30 और हम लोग उठ गए, हमने खाना गर्म कर लिया है।
सो मैं खा रही हूँ आलू की सब्जी और साथ में फ्राइड राइस। मम्मी ने बना के गई थी परसों बहुत जाने से पहले, मम्मी हमारा खाना बना के गई थी। ये किट्टू का, ये मेरा क्योंकि ज्यादा दिखा रहे हैं, हल्का हल्का ही खा रहे क्योंकि ऑलरेडी हम पेट भरा हुआ है। सुबह मेथी के पराठे ही हैवी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है, ठंडी भी हो रही है। अब अभी 3 दिन से ना, अभी दीदी गई ना, अभी तब अभी चालू होने लगी है ठंडी ना, नहीं तो उससे पहले एकदम गर्म गर्म था, अब ठंडी चालू होने लगी है। तो ऐसा करती हूँ फटाफट ना, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं ना। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग का लंच हो चुका था डन। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना काम करने, क्योंकि मेरा काम ना थोड़ा पेंडिंग था, जो कि बताया था आपको कि भाई की शादी में एक ब्लाउज पहनना था, तो मैंने उसका काम चालू किया था, तो वो आधा ही हुआ था, तो वो पूरा नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने बीच में आधे में ही पहन लिया था। सो मैं अब उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसको कितना बनाया। वेट, तो वहीं पे आना, ठीक है? आना नहीं यहाँ, ओके? मम्मी माटी गिर गई। सी। तो देखो गाइस, मैंने इसको इतना बनाया है अभी तक, और अभी इसमें और काम चल रहा है, और काम चल रहा है इसमें। ये मम्मी आएगी ना, फिर पूरा पकड़ेगी ना, फिर दिखाऊंगी। और जब भी भाई की शादी थी ना, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 लाइनें करी थी, और अभी इसकी मैंने 5 लाइनें कर दी है, दिखाती हूँ। ये रही, तो फिर बस अभी इसको कंप्लीट करने की कोशिश हो, सोच रही घर जाने से पहले ये कंप्लीट हो जाए तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। और जब मेरे भाई की शादी थी तो मैंने इसके 3 लाइनें कंप्लीट करी थी, और अब यहाँ से मेरी 5वीं लाइन स्टार्ट है। सो इसमें बहुत टाइम लगता है गाइस, सीरियसली मेरे को लगा था कि इजी होगा, बट ये इतना इजी नहीं होता। पर ये पहनने के बाद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। इसको मैं लहंगे साड़ी किसी पे भी पहन सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ। और मम्मी भी आने वाली है, तो फटाफट मम्मी आए उसके बाद मिलते हैं, तब तक मैं अपना पेंडिंग काम भी कम्प्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस मम्मा आ गई और किट्टू के लिए कितनी सारी चीजें लेके आई है। किट्टू कितनी सारी चीजें लाई है मम्मा, काउंट करो। 1 2 करो। 1 2 3 हाँ, और आप 4 आपके हाथ में। 4 कौन लाया? मिमी। ये किट्टू की मिम्मी किट्टू के लिए तो सारी चीजें लेके आई। मैं एक शेयर करके खा लो। मैं ये शेयर करके खा लो? नहीं, आप ही खा लो शेयर करके। बहुत खट्टा है, ये आप खाओ पहले, ये खाओ फिर एक किट्टू की खाएंगे, पकड़ो। गाइस, तो मम्मी आ चुकी है बार्लर से किट्टू के लिए बहुत सारी चीजें लेके, और अभी किट्टू जैम्स खा रही है। मिम्मी लेके आई किट्टू की मिम्मी अदरक वाली चाय, साथ में बन रहा है दूध, बोल रहा है फटाफट मम्मी को चाय बना के देते हैं, उसके बाद मम्मी से मिलवाते हैं। मम्मी मेरे बाल ना हमने ड्रायर से सुखा दिए, तो ज्यादा हो गया। सो गाइस, मम्मा आ चुकी है, हम लोग पी रहे हैं चाय, मेरी तो आप कर देना। तो गाइस हम लोग आ गए, मम्मी को लिए मैं चाय बना रही है। मम्मा हाय। मम्मा के मुंह में चिज्जी है अभी, इसलिए बेटी चाय है तो साइड हो जा। हलवा और हम लोग खाए, हम लोगों की चाय अच्छा नहीं लगा हलवा। अच्छा तो बना माँ, अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे तो बहुत, मैंने तो पूरा एक कटोरी खाया, मानू ने नहीं खाया था ना, वो जल्दी में था ना। अब खाएगा, अब बच्चा ही नहीं। हाँ वो खाया नहीं था, तो खाता था सुबह, खा के जाता था, उसने कुछ खाया नहीं, इसलिए मैंने खा लिया, और हमें और भी लेके आ गया मम्मी। तो गाइस, आज हमारे घर में बनाया पहाड़ी स्टाइल सरसों का साग। मम्मी, सरसों के साग में मटर हमारी पहाड़ियों की फेवरेट डिश है, और सब लोग बहुत शौक से खाते है। मेरे को भी बहुत पसंद है, पर बॉम्बे में सरसों का साग मिलता नहीं है, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए बनाया भरपूर घी डाल के। मम्मी ने बोला बिल्कुल पतली नहीं होने दूंगी अपनी बेटी को, घर जाके भले डाइटिंग करने पर यहाँ खिला खिला के मोटा करूंगी। जब मैं जाती हूँ ना मम्मी, सब लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, हनी एक तरफ आलू का, एक तरफ गोभी का, एक तरफ मूली का, सब पराठे दिख रहे हाँ। सब लोग मुझे बोलते, सब सब्जी भी हो गई डन, बस अभी थोड़ा सा भूनना बाकी रह गया, रोटी भी बना दी मम्मी ने, थोड़ा सा मेरे लिए निकाल भी दिया कि टेस्ट का बताओ, और मैं बैठा हुआ स्लैब के ऊपर। और जय मेरी माँ, माँ का दिल, माँ का दिल। सब फटाफट से खाना बन जाए, उसके बाद जाएंगे हम लोग वॉक कर। अभी बज रहा है रात का 8:30 है मम्मी, 9 बजने वाला है, और हम लोग अभी खाना खा के नहीं, खाना खाने से पहले जाएंगे वॉक करने, उसके बाद जाएंगे। मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ चॉकलेट, और मम्मा मुझे दे रही चॉकलेट। ओके, थैंक यू मम्मा।
टॉट ले लीजिए पिल्लू। मैंने देखा मम्मी ने क्या रखा है, पिल्लू नहीं है। तो हम लोग जाएंगे फटाफट वॉक करने, जल्दी से सब्जी रेडी हो जाए उसके बाद हम चलते हैं मुझे वॉक करने। और किट्टू भी जाएगी आज तो, और मैंने मम्मी की नेम पेंट लगाई, कितनी अच्छी लग रही है ना कलर। हम लोग निकल चुके हैं वॉक करने, बाहर बहुत अंधेरा, इसलिए उजाले में आके बात करें, मिलते बाहर में वॉक करने के बाद। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर को वॉक करने, मम्मा ने शॉल वॉल ले ली है, बस वॉक करेंगे, मैं भी हूँ मम्मी भी है। गाड़ी खोलो चाबी, हम जा रहे हैं गाइस आइसक्रीम खाने, ड्राइव करेगी मम्मी। चलो बात तो देखो कैसे चल रहा है। क्या हम लोग आ गए हैं वॉक करने, और देखो सारी आंटी लोग वॉक कर रही है, वहीं से घूम के आते जहां से कल आए थे। हाँ तो घर में कोई ताला नहीं लग रहा, तो कोई नहीं आएगा, घर में घुस के कर किटू आप करो, किटू करो, नाजा गिर जाएगी। आजा मेरा शेर का बच्चा स्पाइडर में, आजा आज रात को मट्टी नहीं लेते, मम्मी मट्टी ले रही है, किट्टो फेंको मट्टी। अरे वहाँ झंडा लगा हुआ ऊपर घर पे, उसको बोल रही मम्मी टंडा लगा हुआ है, तो जैन कर रही है उसको। गाइस ऑलमोस्ट यो क्या बोलते हैं, वॉक हो गई है डन, बस अब हम निकल रहे हैं घर, मिलते हैं घर जाने के बाद। गाइस हम लोग आ चुके हैं वॉक करके, मम्मी मैं नहीं दिखाला, मम्मा मैं नहीं दिखाला। सो गाइस हम लोग आ गए वॉक करके, और मम्मी अभी अभी रात को 10 बजे देखो गरम गरम पानी पी रहे, तो इसलिए मैंने बोला मैं नहीं दिखा रही हूँ। सो ऐसा करते हैं फटाफट से खाना खाते, क्योंकि बज गया 9:30, 10 बजे तक खाना खाएंगे, भाई भी अभी तक आया नहीं ऑफिस से, वो आ जाए तो उसके बाद खाना खाते, उसके बाद ब्लॉग का एंड करते हैं। किट्टू के मामा लाए किट्टू के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, जो किट्टू पे बहुत शूट कर रहा है। कौन लाया? मामा मेरा चंदा, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा आपका बॉयफ्रेंड भी है मामा, वाओ थैंक यू बोला आपने अपने मामा को। मामू आएंगे तब थैंक यू बोलूंगी, लवली भी बोलूंगी, और पार्टी आज भी करूंगी। इतना प्यार करती है अपने मामा से। चुमा भी डूंगी। चुमा भी डूंगी। अच्छा गाइस को तो दिखा दो कितना प्यारा शिंग है ये। हे गाइस, सो फाइनली हमारा डिनर विनर हो चुका है कंप्लीट डन, और बस अब हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग कहीं एंड करते हैं। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के संग, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, लव यू ऑल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। सो उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के संग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।